नपुंसकत्व के लिए कुछ ऐसे इंटरपर्सनल फैक्टर्स रहते हैं जिसके वजह से लिंग में कठोरता नहीं आती है। समझता नहीं है कि भाई कठोरता क्यों नहीं आ रही है, दवाई लेते उसका भी फायदा होता नहीं है, और फिर रिश्ते खराब होते हैं, डिवोर्स तक बारी आती है, सेपरेशन पहले फिर बाद में डिवोर्स हो जाता है, नाम खराब हो जाता है, बदनाम किया जाता है। एक्चुअली यदि हम बारीकी से देखें और काउंसलिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कारण। एक तो क्या है, आपसी पति पत्नी का पुअर कम्युनिकेशन, कम बातचीत सेक्स के बारे में, सेक्स के बारे में बातचीत ही नहीं है और सेक्स के बारे में चर्चा भी नहीं है। क्या आपको अच्छा लगता है, कहाँ मैं स्टिमुलेट करूँ, आपको कहाँ अच्छा लगेगा मैं स्टिमुलेट करूँ, मुझे कहाँ अच्छा लगता है स्टिमुलेट करना, मतलब सेक्स के बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं है। एक वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, एक मैकेनिकल प्रक्रिया करके उसको पूरा करना, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो नंबर दो, नफरत एक दूसरे के पीछे बारे में, कि भाई पत्नी के बारे में नफरत है, गुस्सा है, हॉस्टिलिटी है, अच्छी लगती नहीं है, जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, या झगड़ा है और उसने कभी कुछ कंप्लेन कर दिया आपके बारे में, मतलब वो अपने पति के बारे में, ऐसा कुछ तो भी गुस्सा उसके प्रति है और वो गुस्सा है और संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर नपुंसकत्व आता है। तीसरा है पावर स्ट्रगल, कौन श्रेष्ठ है, मैं कि तू। तो इसलिए होता है ऐसा है कि यदि हस्बैंड समझदार है, शांति वाला है, और पत्नी यदि बहुत गुस्से वाली है, डोमिनेटिंग है, तो फिर वो पावर स्ट्रगल ज़्यादा होता है। यदि वो डोमिनेट कर दिए, सेक्स में भी वो डोमिनेट करेगी, सेक्स में भी अग्रेसर रहेंगी, उसको डिमांड करेंगी, तो फिर प्रॉब्लम आता है, उसको लगता है कि अपन कुछ तो भी कम पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है बाहरी संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, वो यदि बाहरी संबंध है तो फिर प्रॉब्लम आता है, फिर घर में होता नहीं है, तो एक वो कारण हो सकता है। फिर पत्नी के या पति के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्टिव लगती नहीं है, तो लगता है कि भाई इससे भी अच्छी मुझे मिल सकती थी, या तो जबरन शादी करनी पड़ेगी, या तो मुझे अच्छी लगती नहीं है, दिखने में बराबर नहीं है, ऐसा उसको बार बार लगते रहता है। फिर सेक्स के एक्टिविटी में रुचि अलग अलग होना लगी, मतलब ऐसा होता है कि कभी किसको ओरल सेक्स अच्छा लगता है, कभी पोजिशंस अलग अलग अच्छी लगती है, तो वो अच्छा लगना नहीं है, एक रूटीन करके वो कर लेना है, और फिर उसमें इंटरेस्ट बताने का नहीं है पत्नी ने, बस चलो करो तुम, तुम्हारा जो करना हो करो, बाजू में हो जाओ, फिर उसका भी इंटरेस्ट निकल जाता है। क्या है कि वही पार्टनर, वही बेड, वही चद्दर, उसमें यदि चेंज नहीं है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो हरदम ये देखना है आपको कि वातावरण अलग है, बेडरूम का जो लगाया हुआ है वो अपन अलग कर सकते हैं, स्टाइल अलग कर सकते हैं, इंटीरियर अलग कर सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को एक्साइट कर सकते हैं, बातें करके, कभी वीडियोस देख के, कभी एक दूसरे को एक्साइटमेंट करके, स्टोरी सुना के, लिसनिंग करके, इसे काफ़ी सारे हो सकते हैं कि जिसे एक दूसरे के करीब आएंगे। और सिर्फ सेक्स ये एक इंसर्शन करना, अंदर डालना, योनि में प्रवेश करना और अंदर गिराने का वही नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। ऐसा यदि एंजॉय करेंगे तो सेक्स बहुत अच्छा होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं सेक्स वेबिनार्स के, काफ़ी अलग अलग, तो उसके बारे में आपको जानकारी पानी है तो हमने व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि हमारे वीडियोज़, हमारे नोटिफिकेशन, आपके प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी आपको मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।